लकी ब्लॉगर को लाइक और लाइक सब्सक्राइब बोल दे। लकी ब्लॉगर को लाइक करे तो लाइक करे। हो गया नहीं आई कर रही। सो हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, फिलहाल अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं अभी जस्ट अभी मैं रेडी वेडी हो गया हूँ। सुबह उठ गया था 7 बजे के आसपास और फिलहाल मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ घर से। और कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं जा रहा हूँ वो आप व्लॉग में बने रहो, आपको व्लॉग में पता चल जाएगा। फिलहाल तो अभी जल्दी से घर से ही निकलते हैं और वहाँ पर भाई लोग भी अभी वेट कर रहे हैं। सो जल्दी से निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। गाइस फिलहाल निकल रहे हैं, यहाँ पे भाई लोग भी आ चुके हैं और घर को भी टाटा बाय बाय करते हैं। फिलहाल तो अभी रोड पे आ चुके हैं और ऑटो का भी वेट कर रहे हैं। ऑटो आ ही रहा है, बस ऑटो आ गया। फिलहाल ऑटो में बैठते हैं, जल्दी से निकलते हैं। बहकी सभी जुबां हैं हम हैं। फिलहाल अभी ऑटो में बैठे हुए हैं और ऑटो चेंज कर दिया है, एक ऑटो और चेंज करना पड़ता है। और एक भाई आगे बैठा हुआ है, ऑटो वाले अंकल ऑटो चला रहे हैं। फिलहाल तो अभी वेट कर रहे हैं, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। एक और भाई लोग और भी हैं साथ में जो आगे वेट कर रहे हैं हम लोग का। फिलहाल अभी आ चुके हैं यहाँ पे तो रैया खान भाई लोग का भी वेट कर रहे हैं। भाई लोग मुझे लगा कि शायद वो खड़ा होगा, बट अभी खड़ा है नहीं, वो लोग आ रहे हैं। अभी कॉल किया। सो फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ पे भाई लोग सब आ चुके हैं और हम लोग यहाँ से भी तुरंत अभी एक और ऑटो लेंगे और वहाँ से भी तुरंत फिर निकलते हैं, सीधे आपको मिलते हैं मनेर दरगाह। तारों में अब की कमी जरा है। अभी आ चुके हैं लोकेशन पे और यहाँ पे भाई लोग साथ में हैं और अभी फिलहाल अभी अंदर चलते हैं। हर चीज खास है अब है जो है वो सम। तो गाइस फाइनली हम लोग अभी आ चुके हैं छोटी दरगाह मनेर शरीफ और यहाँ पे आप पीछे का वहाँ पे व्यू देख सकते हो। यहाँ पे जो है आपको दिख रहा है, यहाँ पे एंट्री गेट है। अभी हम यहाँ से अभी थोड़ी देर में अभी एंट्री करने वाले हैं और फिलहाल अभी कुछ साइड से व्यू जो है इस छोटी मनेर दरगाह का कुछ हमको साइड का व्यू कुछ ऐसा दिखेगा। फिलहाल मैं अभी इसके अंदर अभी एंट्री करके दिखाता हूँ कि अंदर क्या है क्या नहीं। फिलहाल अभी इसके अंदर जल्दी से एंट्री करते हैं, फिर आप देखो अंदर का सीन। ये तो रबा है अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है। गाइस सबसे पहले मुझे अंदर आकर मुझे सबसे पहले यहाँ पे दिखता है दो बोर्ड, जहाँ पे यहाँ पे आप लोग को इस जगह के बारे में आपको हिंदी में जानकारी यहाँ पे दिया गया है। इस बोर्ड पे मतलब लिखा हुआ है और इसी के जस्ट बगल में आपको यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी यहाँ पे सारा इसका बारे में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। और यहाँ पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे कुछ उर्दू में लिखा हुआ है और आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे उर्दू में लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे तीनों लैंग्वेज में लिख दिया गया है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार के कोई भी अगर लोग आते हैं जिन लोगों को इंग्लिश समझ में आता है तो वो इंग्लिश पढ़ के अपना यहाँ के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और जिन्हें उर्दू पता है वो उर्दू के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जिन्हें हिंदी पता है वो हिंदी के बारे में भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले फिलहाल अभी इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि और अंदर क्या दिखता है हमें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही हम यहाँ पे अंदर में आते हैं तो यहाँ पे हमें सूचना पत्र दिख जाता है, यहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। और इसके अंदर आते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें। काफ़ी यहाँ पे ये जो है जगह है काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, ऊपर गोल टाइप बनाया हुआ है। और यहाँ पे मैं अंदर तो आ चुका हूँ और यहाँ का जो डिज़ाइन है यार काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से बनाया गया है। पुराने ज़माने के जो लोग होंगे ना वो किस तरह से बनाए होंगे ऊपर देख सकते हो, विदाउट एनी सीमेंट। और क्या यहाँ का व्यू आ रहा है अगर हम यहीं पर अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ गेट वगैरह लगा दिया गया है। वैसे मैं इसके ऊपर थोड़ा चढ़ कर देखता हूँ क्या है अंदर। और यहाँ पर जो है ना यहाँ पर ये ताला लटकाया गया है और इसके अंदर जो है काफ़ी सारा कचरा उचरा पड़ा हुआ है, मतलब कि जो जब यहाँ पे जो काम जिस चीज़ का होता था जैसे कि बेलचा रखा हुआ है, कुदारी रखा हुआ है, जग रखा हुआ है, सीमेंट है कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ अंदर में तो, और इसको ताला लगा दिया गया है। ताला काफ़ी ज़्यादा जो है वो पुराना है और इसके जस्ट अपोजिट भी अगर देखें तो एकदम सेम इसी की तरह आपको यहाँ पर भी सीन दिख जाता है, यहाँ पर भी आपको ताला लगाया हुआ दिखेगा। और इसके अंदर अगर देखा जाए तो इसके अंदर उतना ज़्यादा गंदगी है नहीं, इसके अंदर मतलब दो तीन कुर्सी है शायद और बोतल पड़े हुए हैं ऐसे ही और कुछ नहीं है, और उससे ज़्यादा कम है इसमें, बट इसमें भी वही चीज़ है। फिलहाल अभी इसके जस्ट हम अपोजिट साइड देखते हैं
इसके जस्ट अगर हम सामने आते हैं भाई, तो आप इसका सामने का व्यू देख सकते हो कितना ज्यादा ऑसम लग रहा है। सहनी हमें सजा है, हम है बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे। सामने का व्यू आप देख सकते हो, और यहाँ पे बीच में जो है ना काफी बेस्ट तरीके से, मतलब यहाँ पे रास्ता है जाने के लिए, साइड में पेड़ पौधे हैं, तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है देखने में कुछ व्यू। तो इसका भी कुछ सीन वैसा ही है, और फिलहाल हम थोड़ी और आगे चलते हैं और आगे का देखते हैं कि आगे का जो व्यू है वो कैसा होता है। फिलहाल तो अभी काफी ज्यादा धूप किया हुआ है, तो आँख पे जो है वो भार पड़ रहा है, बट कोई नहीं, फिलहाल हम थोड़ा और आगे आते हैं और आगे आकर आपको अंदर का सीन में दिखाता हूँ। अंदर में आ चुका हूँ, और यहाँ पे आप अंदर का व्यू जो देख सकते हो, यहाँ पे ऐसे कुछ गोल टाइप का मतलब बना हुआ है, और यहाँ से भी बाहर निकलने का मतलब रास्ता है, और मैं यहीं से भी अंदर आया हूँ, और यहाँ पे आप बाहर का व्यू देख सकते हो अच्छे तरीके से। यहाँ पे इसको जो बनाया गया है देख सकते हो, इसके बाहर का व्यू जो है काफ़ी खतरनाक लग रहा है, जैसा कि मैं आपको थोड़ी ही देर में दिखाऊंगा। और यहाँ पे मतलब दीवार पे जो है ना छोटा छोटा जो डिज़ाइन किया हुआ है पुराने ज़माने के जो लोग किए हैं, काफ़ी बेस्ट लग रहा है यार यहाँ का जो लोकेशन है। फिलहाल अभी इसके बाहर चलते हैं, अब बाहर का सीन जो है वो देखो। जस्ट उसके अभी मैं बाहर आ चुका हूँ, और यहाँ पे का यहाँ का आप जो सीन देख सकते हो, फिलहाल हम लोग अभी उस रोड से ही आए थे, यहाँ पे जो ट्रक रुका हुआ है इसके साइड वाले रोड से ही आए थे, उस तरफ जो है काफ़ी ज़्यादा हरियाली किया हुआ है। और फिलहाल अभी यहाँ से हम लोग जैसे ही अभी आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे कुछ आपको इस तरह का देगा, और ये जो ऐसा आपको दिख जाएगा यहाँ पे, बस एक ऐसा ही एक यही नहीं, आपको यहाँ पे काफ़ी सारा चीज़ दिख जाएगा, मतलब कि जो लोग जो दफनाए गए थे यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये पेड़ काफ़ी ज़्यादा तगड़ा लग रहा है, मतलब व्यू के हिसाब से, मतलब सूखा हुआ है और काफ़ी बेस्ट लग रहा है। जिंदगी ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है हजरा शरीफ, और इसके जस्ट नीचे यहाँ पे आप ये देख सकते हो गेट है, और गेट में यहाँ पे मतलब ताला लटकाया हुआ है, ताला मतलब यहाँ पे मारा हुआ है। मैं फिलहाल अभी फ़ोन को अपना पकड़ लिया हूँ कि मेरा अगर फ़ोन अगर इसके अंदर गिर गया तो फिर निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, जो कि निकल ही नहीं पाएगा। और इसके अंदर जो ये गुफा है, जैसा कि इसके कहा जाता है कि इसके अंदर जो भी आज तक गया है वो वापस कभी लौट कर आया नहीं है। और ये जो ताला आप देख रहे हैं ना, ये ताला काफ़ी दिनों से मतलब ऐसे ही लगा हुआ है, इसके अंदर मतलब कोई जाता नहीं है, इसलिए ताला जो है वो लगा दिया गया है। मैं आपको इसके अंदर थोड़ा बहुत अंदर का थोड़ा बहुत सीन आपको दिखाता हूँ कैसा है कैसा नहीं। सो देख सकते हो, फिलहाल तो मुझे अभी अंदर कुछ दिख नहीं रहा, ये रहा अंदर से अंदर जाने का रास्ता, थोड़ा आपको जूम करके दिखाते हैं। अंधेरा होगा, दिख नहीं रहा होगा, वैसे काफ़ी गहराई है नीचे में, और सीढ़ी काफ़ी अंदर तक है। थोड़ा बहुत वीडियो शूट कर लिया हूँ, थोड़ा बहुत सिनेमैटिक आप लोग देख ही लिए होंगे, और यहाँ से आप इसका साइड का भी व्यू देख सकते हो कैसा दिख रहा है। साइड का कुछ इस तरह का आपको व्यू दिखेगा, और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो पुराने ज़माने में काफ़ी यूनिक तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन को कट किया गया है, कितने लोग मतलब पुराने ज़माने में काफ़ी कितना जो लोग मेहनत किए होंगे, तो ये पिलर जो है ऐसे करके खड़ा हुआ होगा। पिलर जो है सीमेंट का ही भी नहीं है, ये पत्थर का ही है, टोटल जो दिख रहा है आपको ये पत्थर का ही पूरा बनाया गया है। तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है यहाँ का व्यू जो है आपको देखने में, तो कुछ ऐसा है यहाँ का। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये जाली आप का गेट आपको दिख रहा होगा, ऐसा कहा जाता है कि ये पुराने ज़माने का ये जेल हुआ करता था, हो सकता है ये जेल ही होगा। अंदर का कुछ आपको सीन में दिखाता हूँ, ये देखो कुछ अंधेरा उतना दिख नहीं रहा होगा, टूटा फूटा आपको अंदर का सीन दिख रहा होगा, बट इसको ऐसा कहा जाता है कि इसके अंदर जो है वो जेल था। यहाँ पे मुझे ज़्यादातर जो एक चीज़ दिख रहा है वो देखने को मिल रहा है, ये ऐसा टाइप खंडा जो है हर जगह पे बनाया गया है, एक लाइन से पैरेलल वाइज बनाया गया है, इस चीज़ को काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है, सभी खूबसूरती है। उधर से इस लोकेशन पे आ चुका हूँ, और वहाँ से मैं यहाँ इसलिए आ गया क्योंकि वहाँ पे अंदर में फ़ोटो और वीडियो क्लिक करना अलाउ नहीं है, सो इसीलिए फिलहाल मैं अभी इस लोकेशन पे आ चुका हूँ। और पीछे का व्यू आप लोगों को काफ़ी बेस्ट लग रहा होगा, काफ़ी मतलब अच्छा जगह है। अभी जगह को मैंने अभी आप लोगों को थोड़ा बहुत बताया, फ्रेंड्स पटना से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे है छोटी दरगाह मनेर शरीफ, और यहाँ पे आप पीछे का व्यू देखो काफ़ी बेस्ट है। और आज से लगभग 400 साल पहले इस जगह को निर्माण किया गया था।
बैठे हुए हैं और यहाँ का जो व्यू है वो काफ़ी बेस्ट आ रहा है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे सारे भाई लोग फ्रेंड लोग अभी बैठे हुए हैं। थोड़ा वो दिखा दो सारे, यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे सारे के सारे बैठे हुए हैं। काफ़ी मतलब अच्छा यहाँ का जो व्यू है वो लग रहा है, देख सकते हो। अभी थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे और फिर निकलते हैं यहाँ से। सो फ्रेंड्स, फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे भी बैठ चुके हैं, यहाँ पे रहे भाई लोग कुछ अभी यहाँ पे हैं। चलो 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 चलो, निकलो सब जल्दी ब्रो। यहाँ पे दीवार पे देखो कैसे किस तरह का ये नाम ऐसे करके लिखा दिया है, पत्थर को कटिंग कर करके। तो यहाँ से निकल रहे हैं, पीछे में आइए जो अपना अभी ब्लॉग शूट कर रहा है। यहाँ पे ये बच्चे लोग भी मछली पकड़ रहे हैं, अच्छा दिमाग लगाए हुए उस साइड जा रहे हैं घूमने के लिए। देखो मुझे क्या दिखा, आपको मैं एक छोटा सा सीन दिखाता हूँ। सांप है जो कि मरा हुआ है, जिंदा नहीं है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। बाहर घूमता नहीं है, पलटा नहीं। छोड़ छोड़ छोड़, गिरो ना यहाँ से। तीन देख, रुका रुका रुका, चल चलो ये मुझे बाहर। वाला पकड़ो, बहुत वाला हो। यहाँ पे पीछे भाई लोग जो है अभी फोटो शूट कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो। और यहाँ का जो व्यू है ना वो काफी बेस्ट आया है। मैंने अभी यहाँ पे एक पिक ले रखा है क्योंकि ये पेड़ के कारण काफी बेस्ट पिक आ रहा है। फिलहाल अभी ये लोग पेड़ पे चढ़ के फोटो क्लिक करवा रहे हैं। अच्छा आ रहा फोटो, अच्छा आ रहा है। चलो बढ़िया, अभी वहाँ से आ चुके हैं मनेर शरीफ दरगाह से। और फिलहाल अभी हम लोग आए हुए हैं थोड़े गांव वाला एरिया में, यहाँ पे हम अपने नानी के यहाँ आए हुए हैं। मेरे साथ मेरे भाई लोग हैं, मामा जी के बेटे लोग हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा गंगा के किनारे, फिलहाल आपको वहाँ पे दिखाते हैं कुछ अच्छा। यहाँ पे तो हम लोग अभी आ चुके हैं गंगा के किनारे और आपको मैं थोड़ा पीछे का व्यू दिखाता हूँ, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। सो ये देखो शाम का वक्त, यहाँ पे भाई लोग हैं और शाम का वक्त का आप यहाँ पे नज़ारा देखो। यहाँ गंगा के किनारे का कुछ सीन वैसा है। ये लो गंगा, शुद्ध हो जाओ, शुद्ध हो जाओ, सब शुद्ध हो जाओ। बस बस हो गया, गिर मत जाना। ये देखो गाइस कितना ज्यादा डूबा हुआ, फिर भी नाव जो है वो तैर रहा, बालू से पूरा लोड है। यहाँ पे भाई लोग फिलहाल अभी ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊपर चढ़ते हैं हम भी। थोड़ा शाम का वक्त है इसलिए यहाँ पे आज हम लोग अभी घूमने चले आए हैं, अभी थोड़ी देर में फिर यहाँ से भी घर जाएंगे। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पेड़ आपको दिख रहा है, ये है मकई भुट्टा जिसको बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इसको, देख लो यही है मकई। अरे भाई इधर में झूला झूल रहे हैं, झूला झूल कर देखता हूँ। फिलहाल फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि मैं थोड़ा बहुत रील बनाया सरसों के खेत में, तो आप लोगों को रील कैसा लगा अगर देखना हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। और पीछे मेरे भाई लोग सारे के सारे बैठे हुए हैं, देख लो एक लाइन से। और अभी थोड़ी देर में हम लोग अभी यहाँ से घर की ओर जाएंगे क्योंकि अभी थोड़ी देर में शाम हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये भाई साहब बोल रहे हैं कि तुम्हारा सब्सक्राइबर बढ़वा देंगे अपने ग्रुप लोग में शेयर करके। बढ़वा दोगे, कितना बढ़ जाएगा? 50 ऊपर है, पक्का ना? एकदम कंफर्म है। चलो ठीक है, बढ़िया का बात है। सो गाइज, आज जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लेना।
बहकी सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है। अभी हम लोग झूला वूला झूल लिए, फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि काफी ज्यादा यहाँ पे अभी लेट हो गया, लेट क्या बोलूँ, शाम भी हो गया, अंधेरा हो गया, इसलिए यहाँ से अभी निकलना जरूरी है, क्योंकि हम लोग गंगा के किनारे थे। फिलहाल अभी जाते हैं घर पे, मिलते हैं आपसे। फिलहाल अभी टाइम 10:16 हो रहे हैं, और फिलहाल मैं अभी इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। आपने आज पूरा दिन देखा कि मैं ब्लॉग में गया हुआ था मनेर, और मनेर से फिर मैं मतलब वहाँ का थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लोर किया, फिर मैं वहाँ से गंगा किनारे गया, वहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत मैं सीन दिखाया, फिर मैं मनेर के जस्ट बगल में ही गोरैया स्थान में मेरा नानी घर है, तो मैं फिलहाल अपने नानी घर के यहाँ आज रुका हुआ हूँ। और फिलहाल अभी मेरे पीछे जो है वो मेरे भाई लोग हैं, सारे के सारे देख सकते हो वहाँ पे, और एक लाइन से सारे भाई लोग हैं, सब मामा के ही बैठे हुए, और हम अभी यहीं पे रुकेंगे आज रात को, फिर कल सुबह होकर निकल जाएंगे। सो फिलहाल अभी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको हमारा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। सो फिर मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। तो हम आरती न्यूज से सबसे बड़ी खबर की तोता यादव हमारे साथ लकी ब्लॉगर को लाइक सब्सक्राइब बोल दे लकी ब्लॉगर को ना लाइक सब्सक्राइब कर चला यहाँ पे बस इतने तक खाली लकी बोला लाइक करे तो लाइक करे हो गया।